उसके खिलाफ FIR क्यों नहीं कराई? आज भी वो किसान मौजूद है, वो ट्रॉली वहीं खड़ी है, उसके खिलाफ FIR करानी चाहिए, ये मांग करने हम आए हैं। और अगर वो फर्जी नहीं है, वो व्यापारी नहीं है, वो किसान है, तो किसान को कोई डरा नहीं सकता, कोई धमका नहीं सकता। अधिकारी किसानों के ऊपर है, अधिकारी जनता के लिए बनाए गए हैं, सरकारें जनता के द्वारा बनी होती हैं, सरकारें जनता के लिए बनी होती हैं। जनता को डराओगे, धमकाओगे, ऐसे कैसे चलेगा? हमने कहा ये हम होने नहीं देंगे। इन्हीं बातों के लेके आज हम लोग यहाँ आए हैं। हमारे राजीव शांत जी हैं, ये भी खेत मजदूर यूनियन के प्रदेश के प्रभारी हैं, और अपनी पीड़ा को, किसानों की पीड़ा को आप भी आपके सामने रखेंगे। जी बताइए राजीव जी, आज जो ज्ञापन दिया है किसे दिया है और क्या आश्वासन मिला है? ये प्रशासनिक अधिकारी को हमने ज्ञापन दिया है, जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया, किसानों के साथ धान को क्रय को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, अधिकारी परेशान कर रहे हैं, और ना सिर्फ परेशान कर रहे हैं बल्कि बदतमीजी कर रहे हैं। अगर गुंडे मवाली सड़कों पर घूम रहे हैं, बलात्कारी सड़कों पर घूम रहे हैं, उनके खिलाफ FIR नहीं होगी, परंतु किसानों की FIR होगी, मजदूरों की FIR होगी। यह है बरेली का प्रशासन और यह है उत्तर प्रदेश की सरकार। गुंडे मवालियों के हाथ में उत्तर प्रदेश की सरकार है, गुंडे मवालियों के हाथ में प्रदेश का शासन है। ये हम इसका विरोध करते हैं, और किसानों के साथ अन्याय होगा तो हम पुरजोर तरीके से हमारा आंदोलन आगे भी चलता रहेगा। जी, यहाँ कलेक्टर गेट पे प्रदर्शन भी आप लोगों ने किया है, वो क्यों किया है? वो जब अधिकारी हमारा ज्ञापन लेने नहीं आए, इसलिए हमने यहीं पर बैठकर प्रदर्शन किया, और अचानक प्रेस की गाड़ी आ गई, हम लोग अंदर गए, तब प्रशासनिक अधिकारी को महसूस हुआ कि हम इनका ज्ञापन ले लें, नहीं तो हंगामा बढ़ सकता है। उस हंगामे को रोकने के लिए वो प्रशासनिक अधिकारी आए, परंतु बरेली के किसी सिटी मजिस्ट्रेट के पास, जिलाधिकारी के पास, किसी SDM के पास टाइम नहीं है किसानों की बात सुनने आने का, मजदूरों की बात सुनने आने का। ऐसे भ्रष्ट प्रशासन का हम घोर निंदा करते हैं, और उनके रवैये का हम घोर निंदा करते हैं। क्या आश्वासन मिला आपको? उन्होंने हमें यह आश्वासन दिया है कि हम इस कार्रवाई को आगे करेंगे और सुनील भारती के खिलाफ कार्रवाई करने का पूरा प्रयास करेंगे। कार्रवाई नहीं होती तो आगे क्या कार्रवाई? हमारा आंदोलन अभी आज 40 लोग हैं, 30-35 गांव के लोग हैं, यहाँ पर 400 लोग आएंगे, मजदूर आएंगे, कर्मचारी आएंगे, बैंक के कर्मचारी होंगे, बीमा के कर्मचारी होंगे, हम इस कलेक्ट्रेट को भर देंगे अगर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो। सब लोग बैठ जाइए, दरी लेकर आइए। धराशायी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, 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 धराशायी नहीं सहेंगे। मैं किसान एकता संघ का प्रदेश प्रभारी डॉक्टर रवि नागर। धान खरीद में किसानों के साथ जो धान क्रय से संबंधित अधिकारी और कर्मचारी हैं, वो बराबर बदतमीजी कर रहे हैं, किसानों का धान नहीं तोल रहे हैं, और उन्हें FIR का डर दिखाकर धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। 3 दिन पहले एक बड़े ही जिम्मेदार पदाधिकारी सुनील भारती जी, उनके द्वारा एक किसान को डराया गया और कहा गया कि तुम्हारे खिलाफ FIR कर देंगे वरना अपनी ट्रॉली लेकर भाग जाओ। हम कहना चाहते हैं, अगर वो फर्जी था तो उसके खिलाफ FIR क्यों नहीं कराई? आज भी वो किसान मौजूद है, वो ट्रॉली वहीं खड़ी है, उसके खिलाफ FIR करानी चाहिए, ये मांग करने हम आए हैं। और अगर वो फर्जी नहीं है, वो व्यापारी नहीं है, वो किसान है, तो किसान को कोई डरा नहीं सकता, कोई धमका नहीं सकता। अधिकारी किसानों के ऊपर है, अधिकारी जनता के लिए बनाए गए हैं,
सरकारें जनता के द्वारा बनी होती हैं, सरकारें जनता के लिए बनी होती हैं। जनता को डराओगे, धमकाओगे, ऐसे कैसे चलेगा। हमने कहा ये हम होने नहीं देंगे। इन्हीं बातों के लेके आज हम लोग यहाँ आए हैं। हमारे राजीव शांति जी हैं, ये भी खेत मजदूर यूनियन के प्रदेश के प्रभारी हैं, और अपनी पीड़ा को, किसानों की पीड़ा को आप भी आपके सामने रखेंगे। जी बताइए राजीव जी, आज जो ज्ञापन दिया है किसे दिया है और क्या आश्वासन मिला है? ये प्रशासनिक अधिकारी को हमने ज्ञापन दिया है, जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया, किसानों के साथ धान। नमस्कार, चैनल में आपका स्वागत है। बताते चले कि किसान एकता संघ डॉक्टर रवि नागर जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा है, और ज्ञापन में धान खरीद केंद्र में प्रभारी द्वारा किसान को परेशान किए जाने का विरोध किया है, जिसको लेकर कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी के साथ अधिकारी के नाम मिलने पर अन्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, और उन्होंने आरोप भी लगाया कि जो उनके किसान हैं उनके साथ धान खरीद नहीं हो रही है और उनको परेशान किया जा रहा है। इस मामले को लेकर कलेक्ट्रेट पर उन्होंने जोरदार नारेबाजी के साथ हंगामा किया है। इस मौके पर डॉक्टर रवि नागर, प्रदेश प्रभारी किसान एकता संघ, राजीव शांत, प्रदेश सचिव उत्तर खेत मजदूर यूनियन, सोहेब जहार खान, प्रदेश प्रभारी भारतीय किसान यूनियन, इन सभी ने कलेक्ट्रेट गेट पर पहुंचकर मीडिया के माध्यम से नारेबाजी प्रदर्शन किया। मांग पूरी न होने पर उससे कोई कार्रवाई नहीं हुई, आंदोलन की धमकी दी है। किसानों के साथ उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये उन्होंने बात रखी। देखते रहिए खबर बरेली से, अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइबर करें, शेयर करें, जिसे सबसे पहले आप तक पहुंचे खबर। देश की सुरक्षा, लाल बटन दबाना ना भूलें, अंदर की सुरक्षा हो या देश की सीमाओं की सुरक्षा, ऐसा प्रशासन जो जवानों के माँ और बाप की इज्जत न करे, ऐसे किसानों की हम मुर्दाबाद बोलते हैं, ऐसे प्रशासन की। साथियों, सभी साथी चार चुलम की टक्कर पे, चार चुलम की टक्कर पे किसानों ने ललकारा है, देश हमारा है, किसानों ने ललकारा।